आधे लोगों को दिक्कत ये है कि यार सुना तो बहुत है हाँ कि यार जाए कहाँ, कहाँ से शेयर खरीदे, शेयर किसी परचून की दुकान पर तो मिलता नहीं, या फिर ऐसा तो है नहीं कि भैया पेटीएम कर दो 50 रुपए आप शेयर दे दो मुझे, शेयर कुछ मिलता है ऐसा कहाँ घुसे कैसे, तो समझ लो चीजें कि नहीं साइड है। वैसे बहुत बहुत मजा आएगा अगर ऐसे होने लग गया तो, भाई 50 रुपए ले लो मुझे थोड़े शेयर दे दो भी मस्त नाइस नहीं है, है? आप अगर ऑन एग्जैक्टली बॉस आपके पास एडवाइस है तब क्या है, अच्छा स्विच करो अमाउंट और खरीदो ना बॉस। बट अगर कोई ऐसा दे होता थी कि डायरेक्ट कंपनी से हमारा कॉन्टेक्ट हो जाता, होता था पहले एक प्रॉपर जगह होती थी बीएमसी में स्टॉक एक्सचेंज, आज के आई थिंक 2001 या 2001 के बाद चीजें डिजिटलाइज हो गई, कंप्लीटली चीजें डिजिटलाइज हो गई। उससे पहले आप जाते थे 50 रुपए देते थे, या जितना मान लो कि टाटा मोटर्स का शेयर 184 या 200 रुपीज का है, आप 200 देते थे, आप वो शेयर पकड़ता था कागज पेपर के फॉर्म में, पेपर आपको सर्टिफिकेट टाइप में ठीक है, तो ये होता था, लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग था बॉस ये आप समझ रहे हो, आज आप बैठे बैठे आपको लेना है शेयर, आप घर बैठे हो, आपको मुंबई जाना भी नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिक प्लेस हुआ करता था, वहां पे ऐसा हर एक परचून की दुकान पर आपको शेयर मिल रहा था, स्पेसिफिक प्लेस हुआ करता था मुंबई में जिसको आज के टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वहां पे पहले ऐसे हुआ करता था, आज के टाइम पे कंप्लीट डिजिटलाइज है, या फिर जस्ट आपको कोटेशन डालना है फोन पे और प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको शेयर मिल जाता है। मार्केट में क्या है कि जैसे आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट खोलते हो पैसा जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, वैसे शेयर मार्केट के लिए शेयर खरीदना है शेयर बेचने के लिए अकाउंट का नाम होता है डीमेट अकाउंट, डिजिटलाइज आपका अकाउंट होता है वो डीमेट अकाउंट होता है। अच्छा बोलोगे तो ये अकाउंट कहाँ खुलता है, क्या ये बैंक में जाकर कहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, किसको कॉल करना पड़ता है, तो बॉस जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया दुकान वाला एग्जाम्पल शॉप्स का, कि आप बाहर घर से बाहर निकलते हो, 5 शॉप्स होती हैं, आपकी मर्जी होती है कि आपको किस शॉप से खरीदना है, हर एक शॉप वाला आपको एक लुक्रेटिव ऑफर देता है कि मेरे शॉप पे आपको ये डिस्काउंट दूंगा, वैसे ही डीमेट अकाउंट भी अलग अलग बहुत सारे दुकान है डीमेट अकाउंट खोलने वालों के, कि हर एक दुकान वाला बोलता है कि मेरे यहाँ से खरीदो। अच्छा दुकान कौन कौन सी है, आई मीन उससे चलो उसको लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, तो अलग अलग फर्म्स होती हैं जो आपको डीमेट अकाउंट खोल के देती है। देखो आप जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है ना, जहाँ जिस बैंक अकाउंट है बैंक भी डीमेट अकाउंट खोलती है, जैसे कि अलग अलग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपोजिट अकाउंट होता है, रेकरिंग अकाउंट होता है, वैसे ही बैंक वाले आपका डीमेट अकाउंट भी खोलते हैं। बट आई पर्सनली मेरी अगर ये मानो कि क्या मैं बैंक से डीमेट अकाउंट खुलवाऊँ तो मैं पर्सनली मना करूंगा, बिकॉज बैंक वालों का जो डीमेट अकाउंट होता है काफी उनका जो प्लेटफॉर्म होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बोलो कैसे खरीदें। तो यहाँ पे बहुत सारे अदर फॉर्म्स है, जैसे कि शेयर खान है, अप स्टॉक्स है, आपका एडवाइस, बोलो ये सब क्या है, ये नाम है जैसे कि बैंकों के नाम होते हैं ना, कि ICICI, एक्सिस और SBI बैंक जो कि अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, ये सब अकाउंट खोलते हैं, वैसे शेयर मार्केट में जो डीमेट अकाउंट खुलता है, तो डीमेट अकाउंट वाले कौन कौन खोलते हैं, ये करते हैं शेयर मार्केट है, एडलवाइस है, आपके स्टॉक्स है, बहुत सारे टाइप के अकाउंट है इसमें, ठीक है, शेयर खान है आपका, ठीक है, ये सब है जो अकाउंट खोलते हैं। आप बोलोगे कि खोलते कैसे, इनको कैसे कॉन्टेक्ट करना है, अच्छा कॉन्टेक्ट कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स बोलता हूँ, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपके पास आप अगर आप इनिशियल इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे शेयर मार्केट काफी डेप्थ है, उसमें फ्यूचर और भी फ्यूचर ऑप्शन का भी एक सेगमेंट होता है, शेयर मार्केट में शेयर में ट्रेड करना, म्यूचुअल फंड में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कमोडिटी में, तो बहुत सेगमेंट है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपने सिर्फ अभी म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में ही आपने इन्वेस्ट करना है, उसके लिए एक नॉर्मल सेविंग डीमेट अकाउंट खुलता है, और उस डीमेट अकाउंट के लिए नॉर्मली रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो ये होती है कि आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी एक फोटो होनी चाहिए, और एक चेक होना चाहिए, कैंसल चेक होना चाहिए, और वो ऐसा चेक होना चाहिए, बहुत ऐसा होता है कि आप जब चेकबुक लिए रिक्वेस्ट करते हो बैंक में जाके, तो आपको ऐसा चेकबुक प्रमाण दे देता है आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा चेकबुक होना चाहिए जिसके नीचे आपका नाम, जो जहाँ पे साइन करते हो आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, आपका खुद का नाम प्रिंटेड होना चाहिए, वो चेकबुक आपके पास होना चाहिए, एक कैंसल चेक आपको उसको देना है, ये चार चीज आपके पास प्राइमरली होनी चाहिए। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आपको अपने बैंक अकाउंट बैंक में जाना है जहाँ पे आपका अकाउंट है, चाहे सेविंग अकाउंट का ही चेकबुक, जरूरी नहीं कि एफडी का, ऐसा कोई भी आप जो भी अकाउंट ऑपरेट करते हो सेविंग का, चाहे उसमें 50 रुपये चाहे 100 रुपये, बट इतना सफिशियंट अमाउंट होना चाहिए जो आप चेकबुक निकल जाए आपका, तो आपको बस जाना है वहाँ पे रिक्वेस्ट करना है, आपको चेकबुक मिल जाएगा, चार चीजें आपके पास आ गई, व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा बोलो, मेरे से पूछो कि सर कौन से में खुलवाएं, एडलवाइस में खुलवाएं, शेयर खान में खुलवाएं, आपके स्टॉक्स में खुलवाएं, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म में किसने खुलवाएं,
तो पर्सनली बताऊं कि हर एक, ऐसे आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाला क्या करता है, आपको कोई सामान बेचता है तो आपको लगता है कि आपको फ्री बेच रहा है, आप तो कुछ कमा ही रहा होगा ना, कुछ ना कुछ वो कमा ही रहा होगा ना। वैसे ही जैसे ये प्लेटफॉर्म से जब आपको डीमैट अकाउंट करते हैं और आप उसमें जब शेयर का परचेज और सेल कर रहे होते हैं वो कमीशन कमाते हैं। द थिंग इज यहाँ, अच्छा डीमैट अकाउंट खोलने का कॉस्ट क्या होता है? डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। कैसे खुलता है प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, तभी नाम प्लेयर्स नाम बताएं कि ये प्लेयर्स मार्केट में है, कैसे खुलता है वो बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो क्यों खुलवाना है और किसमें खुलवाना है, क्यों खुलवाना है शेयर, और अगर आपको मॉडर्न में इन्वेस्ट करना है इसलिए खुलवाना है। कमीशन एग्जैक्टली, जिसने क्योंकि फ्री में सब खोल दें, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अकाउंट खोलने का, डीमैट अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं लेता है, वो सब बोलते हैं पहले मेरे पास आ जाओ, अगर मेरे पास आ गए तो आप जब खरीदोगे तो उस टाइम पे तो आपसे कमीशन कमाई लेंगे। अब मान लो कोई 10% कमीशन, 10% कोई ख्याल नहीं लेता, कोई 1% ले रहा है, कोई 0.8% ले रहा है, कोई 0.2% ले रहा है, सबसे कम किसका है। अगर ये हमसे कमीशन ले रहे हैं तो अकाउंट खुलवाने पे कमीशन ले रहे हैं, बट जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे कमीशन काटेंगे, उस पे कमीशन काटेंगे। आप खरीदोगे तब भी, खरीदोगे तब भी आपके अकाउंट से पैसे काटेंगे और बेचोगे तब भी काटेंगे। अच्छा, तो मैं स्टार्टिंग जब मैंने किया था, मैं बिल्कुल कम्प्लीटली बिगिनर था, तो मुझे किसी ने इतनी ब्रॉडली एडवाइस नहीं किया था, तो मैंने क्या किया था, एडवाइस खुलवाया था। ओके, काफी टाइम हो गया मैंने एडवाइस से जुड़ा रहा, एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बन गया, बट कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि नहीं बॉस, आई हैव टू हंट समवन एल्स। तो मैंने, क्योंकि मैं अच्छा शेयर मार्केट में ना, आपको ऐसे बताऊं कि दो ऑप्शन होते हैं कि आप इंट्राडे सेल करो या डिलीवरी में सेल करो, ठीक है, सेल करने में अलग से, इंट्राडे में इन्वेस्ट करो या फिर डिलीवरी में इन्वेस्ट करो। कहने का मतलब, अगर आपका कंप्लीटली सोल पर्पस है, आप नॉर्मली ट्रेडर नहीं, यानी कि आपका ये बिजनेस नहीं है, शेयर आज खरीदे 10 रुपए कमाए उसको बेच दिया, या फिर तुरंत तुरंत का बिजनेस नहीं है, आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है, तो आपको डिलीवरी में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका सोल मोटिव इन्वेस्टमेंट का है, सोल मोटिव इन्वेस्टमेंट का है, तो आपको शेयर मार्केट और मॉडर्न तरीके से इन्वेस्ट करना है। आप शेयर मार्केट में जाओ, और शेयर मार्केट में दो ऑप्शन आपके लिए, आप आंख मूंद के, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको उतने में नहीं जाना, बहुत सारे ऑप्शन क्या होते हैं, आपको सीमेंट होता है इक्विटी में, इक्विटी में दो सेगमेंट होता है, इंट्राडे और डिलीवरी, म्यूचुअल फंड होते हैं, फिर आपके पास कमोडिटी का ऑप्शन आ जाता है, आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन आ जाता है। तो उसमें आपको एक्सचेंज में नहीं घुसना है, आपने बिगिनर हो, आपको सिर्फ देखना है शेयर खरीदना है या उसको रखना है, और जब उसका रेट बढ़ जाए आपको उसको बेचना है, या फिर म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदना है तो उसका जब रेट बढ़ जाए उसको बेचना है। अच्छा, ये चीज़ फर्स्ट बेसिकली, इफ आई एम, मेरे को अभी सैलरी मिली तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि मैं अपना पहले सारा उसको एलोकेट कर दूं मेरी नीड और वांट्स के हिसाब से। जो फंड बचा मेरे पास में उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए स्पेशली स्टॉक मार्केट में मेरे को एक फर्म के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सबसे कम चार्ज करेगी पैसा, चार्ज लेती है, और उसके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में। अगर मैं पर्सनल रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं बोलूंगा अपस्टॉक्स में खुलवाओ, अपस्टॉक्स, UPSTOX। पूछोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका मोटिव क्या है डिलीवरी में, कि इन्वेस्ट करना है जब उस टाइम बाद, लॉन्ग टाइम वाला, एग्जैक्टली, तो अपस्टॉक का रूल ये है कि डिलीवरी पे ना तो परचेज पे कमीशन लेते हैं, ना ही वो सेल पे कमीशन लेते हैं। दैट मींस आपने जो बेचा, जो खरीदा, वो कंप्लीटली कमीशन किया। मैंने रिसेंटली पैसे ले रहे हो